मुझे भी याद है जब मैं छोटा था और समय क्रिकेट में पैसा नहीं था तो हम लोग थर्ड क्लास ट्रेन की बोगी में जाया करते थे। टॉयलेट के सामने सामान टॉयलेट में पड़ा हुआ होता था और हम लोग बैठे रहते थे और जाते थे। और स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया तो शायद अपना ही है, किरण रिजू जी आप तो मंत्री रहे हुए हैं, वही SGFI ले जाया करती थी हमें। आज भी परिस्थिति सभापति महोदय वही है हमारे एथलीट्स की, क्रिकेट की तो नहीं लेकिन हमारे एथलीट्स की। आज भी हमारे जो खिलाड़ी हैं आज भी उनकी यही हालत है कि वह जनरल बक्सों में डिब्बों में जाते हैं, टॉयलेट के सामने बैठते हैं, टॉयलेट में उनका सामान होता है। जब वो जाते हैं खेलने तो ऊबड़ खाबड़ मैदानों पर खेलते हैं, खाने के लिए ढंग से मिलता नहीं, डॉर्मेट्री में रहते हैं, टॉयलेट के सामने खाना बनता है। और यह मैं नहीं कहता हूं, यह टेलीविजन पे एक बार नहीं अनेकों बार देखा गया है। हम बात करते हैं हमारी प्रिपेरेडनेस क्या है। अरे अगर आपको ओलंपिक्स की तैयारी की बात करनी है तो आपको 2028 की अभी करनी चाहिए, न कि जब आपकी टीम चली गई हो। ओलंपिक्स की तैयारी, खेल लोग समझते खेल ऐसा ही है, जब से टेलीविजन पे ये खेल आना शुरू हुआ है और 30 कैमरों से क्रिकेट को अलग अलग एंगल से दिखाया जाता है, लोग मुझे सिखाने लगे हैं क्रिकेट कैसे खेला जाता है। उनको मालूम नहीं कि जब थॉमसन 100 की स्पीड पर गेंद करता था, सुनील गावस्कर सामने होता था या सचिन तेंदुलकर एक तरफ हो और ब्रेटली दूसरी तरफ हो, तो 0.42 सेकंड्स गेंद को निकलने में, बल्लेबाज तक पहुंचने में, और 0.38 सेकंड्स बल्लेबाज को तय करने में कि मैं फ्रंट फुट पर जाऊं, बैक फुट पर जाऊं, हुक करूं, कट करूं, पुल करूं, क्या करूं। लेकिन लोग हमको सिखाते हैं, यानी ये बॉल छूटी और ये बैट्समैन के पास आई, ये समय है, बस इन दो चुटकियों के बीच का खेल है। उसको संभवतः लोग समझेंगे नहीं, बहुत आसानी से लेते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। मुझे बड़ी खुशी है कि जब प्रधानमंत्री जी ने हमारी महिला कुश्तीबाज कुश्ती लड़कियां जब आई थी तो उन्होंने उनका स्वागत किया था, सम्मान किया था, बड़ी प्रसन्नता भी थी जब उनके साथ वो खा रहे थे। लेकिन तब दुख हुआ था जब उन्होंने उनके साथ अत्याचार हुआ था, उन महिलाओं के साथ, तब उन्होंने मौन व्रत धारण करके रखा था। अगर अपनी महिलाओं को एक तरफ बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर हम अपनी बेटियों को जो बाहर से स्वर्ण पदक लेकर आते हो, दूसरे पदक लेकर आते हो, अगर हम उनको नहीं अपनी तरफ से, यह सदन के लिए शर्म की बात है कि यदि हम उनको अपनी तरफ से संरक्षण नहीं दे सकते तो बड़ी खेद की बात है। आज बात करते हैं कि हमने नीरज चोपड़ा को भेजा। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब तक नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक नहीं जीता था भाला फेंकने में, जैवलिन में, तब तक उसके लिए सरकार ने क्या किया था। अभिनव बिंद्रा जिसने पहला स्वर्ण पदक जीता शूटिंग के अंदर, उसके पहले, शूटिंग के पहले जब किया था तो सरकार ने उसके लिए क्या किया था या उसके एसोसिएशन फेडरेशन ने क्या किया था। मैं जानना चाहता हूं कर्णन मलेश्वरी जिसका नाम हटा दिया गया था टीम के ऊपर से, उस समय मैं पहली बार संसद 1999 बनकर इस पार्लियामेंट में आया था, 2002 या 2004 की दो की बात है, जब उनको निकाल दिया गया था, जब वो वापस आई और उन्होंने उस समय कांस्य पदक जीता था तो बड़ी प्रसन्नता हुई थी, किसी ने नाम नहीं सुना था, उनको खूब अलग अलग उनको उपहार मिले थे। मैं ये जानना चाहता हूं सरकार से कि ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में भेजने से पहले आप उनके लिए क्या करते हैं। जीत के आने के बाद तो आप न जाने क्या क्या चीज़ उनको देते हैं जो मिलना भी चाहिए, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि एक अच्छा खिलाड़ी, एक अच्छा अभिनव बिंद्रा बनाने के लिए, एक नीरज चोपड़ा बनाने के लिए, एक PV सिंधु बनाने के लिए, एक साइना नेहवाल बनाने के लिए, एक साइना मिर्जा बनाने के लिए आपने सरकार क्या क्या करती है, ऐसा सरकार को यह जवाब देना चाहिए। कौन सी प्रिपेरेडनेस? आज एक बार कोई व्यक्ति, कोई लड़का या लड़की, हमारे देश की बेटी या बेटा अच्छा करके बाहर से आता तो आप सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन कैसे वो अच्छा बनकर आगे बढ़े उसके लिए क्या करते हैं? साई में, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण, कहाँ है कोचेस, कहाँ है प्रशिक्षक? आज खेलो इंडिया, खेलो इंडिया आपने शुरू किया, बड़ी प्रसन्नता की बात है, जो भी आए वो खेल सकता है, लेकिन क्या जो भी आए खेल सकता है, उसमें से प्रतिभा एकलव्य की तलाश कौन करेगा? उसके लिए कोई व्यवस्था है क्या? उसकी व्यवस्था नहीं होती। उसकी व्यवस्था इसलिए नहीं होती क्योंकि यहाँ पर जितने जगह प्रशिक्षकों के, कोचेस के खाली पड़े हुए हैं, 70% से अधिक लोगों के जगह खाली पड़े हुए हैं प्रशिक्षकों के। मुझे याद है मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में जाता था, एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला था जहाँ पर कोचेस तैयार किए जाते थे। ये राष्ट्रीय स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम, इस नेशनल स्टेडियम के अंदर क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन सब खेल खेले जाते थे और सबके प्रशिक्षक होते थे, हम लोग को प्रशिक्षण मिलते थे, हम लोग वहाँ सीखते थे और सीखने के बाद आगे बढ़ करके खेलते थे। आज वो परिस्थिति कहाँ है? इसलिए क्योंकि इसका कोई भी अपना वो नहीं है। मैं अधिक बातों को न रखते हुए अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। मैं अभी एक रिजिजू जी ने कहा कि खेल संघ वाले हैं सभापति महोदय कि वापस में चुनाव लड़ते हैं तो उनकी आपस में लड़ाई तो होगी, तो आप यहाँ क्या खाक मारने के लिए बैठे हैं? स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री किस लिए बैठी हुई है कि यदि आप उन लड़ाइयों को सुधार करके उन जो प्रतिभावान लोग हैं उनको आगे नहीं भेज सकते तो फिर आपका फायदा क्या है?